हेलो जाहन दोस्तों, कैसे हो? आज लेकर आया हूँ 17 अप्रैल जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था सुबह का टाइम, उसके जो एग्ज़ाम रिव्यू वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया वही क्वेश्चन आज लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में होगा, आपका 35+ क्वेश्चन आपका एनालाइज होगा। तो दोस्तों, जो बंदा एग्ज़ाम दे दिया बहुत ही अच्छा तरह एग्ज़ाम हुआ वही कामना करता हूँ। और देख लीजिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, जो बंदा का थोड़ा सा डाउट है वो भी मिला ले लीजिए इसी प्रश्न पत्र के साथ। तो दोस्तों, इसी तरह बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा तरह सही कर लीजिए क्वेश्चन पेपर से। तो दोस्तों देख लीजिए, पहला नंबर क्वेश्चन किसका दिया हुआ था। तो दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ था व्हिच स्पोर्ट्स इज पिंग पोंग एसोसिएटेड विथ। देख लीजिए, पिंग पोंग किस खेल से संबंधित है ये आया था। तो दोस्तों, आप जो बंदा टेबल टेनिस किया था उसका राइट आंसर हो जाएगा, टेबल टेनिस होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज द करेंट होम मिनिस्टर। देख लीजिए, वर्तमान गृह मंत्री कौन है बता दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे तो हमारा बच्चा इसका देख कर ही राइट आंसर दे दिया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो बंदा ऑप्शन श्री अमित शाह को चुना उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन श्री अमित शाह होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ग्लैंड इज रेड एंड ब्राउन इन कलर। देख लीजिए, कौन से ग्रंथि लाल और भूरा रंग का होता है बता दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे चारों ऑप्शन दिया हुआ था लेकिन हमारा राइट आंसर दे दिया, यहाँ पे एड्रेनल ग्लैंड होगा राइट आंसर, ऑप्शन एड्रेनल ग्लैंड जो बंदा चुना उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच एसिड इज प्रेजेंट इन एंट सीग। देख लीजिए, चींटी का डंक में कौन से अम्ल होता है बता लीजिए। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले बार बहुत ज़्यादा बार PBRCR में 17-18 में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया वही क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो बंदा फॉर्मिक एसिड को चुना टिक लगाया उसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन फॉर्मिक एसिड होगा सही आंसर, चींटी का तेजा होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 5 नंबर क्वेश्चन, व्हेयर इज ताजमहल लोकेटेड। देख लीजिए, इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, जो बंदा का पास 18, 19, 20 का टाइम एग्जाम है वो अच्छा तरह पढ़ो, आपका एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन PBRCR में पूछा गया वही क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आगरा में स्थित है ताजमहल, ऑप्शन आगरा होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जमुना रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ। देख लीजिए, जमुना नदी किसकी सहायक नदी है बता दीजिए, चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों, चारों ऑप्शन तो नहीं है यहाँ पे लेकिन आपका राइट आंसर गंगा होगा राइट आंसर, जो बंदा गंगा चुना उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन, व्हिच एसिड इज फाउंड इन टर्मिनेट। देख लीजिए, इमली में कौन से अम्ल पाया जाता है बता दीजिए, चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जो बंदा टार्टिक एसिड के ऊपर टिक लगाया उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन टार्टिक एसिड होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सॉरी आपका 77 बार, कोई बात नहीं, आपका 8 बार होना चाहिए लेकिन 7 बार हो गया। तो दोस्तों, फुल फॉर्म ऑफ DNA का पुनरूप क्या है बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो बंदा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड को चुना उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज आयुष्मान भारत एसोसिएटेड विथ। देख लीजिए, आयुष्मान भारत किससे जुड़ा है, जो आयुष्मान भारत स्कीम था वो किससे जुड़ा था। तो दोस्तों, आपका किस प्रकार ऑप्शन में था वो जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, और यही आपका ऑप्शन में था तो ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल। देख लीजिए, जीव कोशिका का खोज किसने किया था। तो दोस्तों, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो बंदा रॉबर्ट हुक को चुना उसका राइट आंसर हो जाएगा, चारों ऑप्शन में जो बंदा रॉबर्ट हुक को चुना उसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मदुरा सन टेम्पल लोकेटेड व्हिच स्टेट। देख लीजिए, जो मदुरा सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है बता दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जो बंदा गुजरात को चुना उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन गुजरात होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ओल्ड नेम ऑफ RBI, यही पूछा गया था, कोई कोई बच्चा यही पूछ रहा था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया,
ओल्ड नेम ऑफ आरबीआई का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो ओल्ड पुराना नाम है वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोथल लोकेटेड व्हिच स्टेट इन इंडिया, देख लीजिए लोथल आपका किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो बंदा गुजरात को चुना उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, सॉरी ए नहीं है आपका गुजरात होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया, देख लीजिए भारत में सबसे बड़ा हवाई अड्डा उसका नाम बताओ। तो दोस्तों उसका नाम जो बंदा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा को चुना उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज द फर्स्ट प्रोटेस्ट एजेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी, देख लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहले विद्रोह विरोध कब हुआ था। तो दोस्तों कब हुआ था बता दीजिए, ये आपका 1857 में पहले सिपाही विद्रोह के थ्रू एगेनेस्ट में खिलाफ बात हुआ था, ऑप्शन क्या होगा जो 1857 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैपिटल ऑफ श्रीलंका, ये भी आया था कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत ही अच्छा तरह पढ़ लीजिए। करेंट के आपका मिनिस्टर से रिलेटेड आ रहा है, कैपिटल से रिलेटेड आ रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दो होता है लेकिन आपका राइट आंसर वहाँ पे ऑप्शन में क्या किया था वो एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। श्री जयबद्ध नेपुरा कोट होता है और एक कुलम्ब होता है, इस दोनों से क्या था जरूर कॉमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीरज चोपड़ा एसोसिएटेड व्हिच स्पोर्ट्स, देख लीजिए नीरज चोपड़ा किस खेल से जुड़ी है बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो बंदा हमारा जेवलिन थ्रो को चुना उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा जेवलिन थ्रो होगा राइट आंसर, बाला फेंकना होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेंथ ऑफ क्रिकेट बैट, देख लीजिए क्रिकेट बैट का जो बल्ले का लंबाई, तो दोस्तों यहाँ पे 38 इंची दिया हुआ तो बहुत अच्छा 38 इंची होगा, नहीं तो सेंटीमीटर में दिया हुआ तो 9.6.52 इंची होगा राइट आंसर। दोनों में से क्या था हम तो नहीं देखा, बच्चे बता दिया था वही नोट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नाथुला पास लोकेटेड व्हिच स्टेट इन इंडिया, देख लीजिए कुछ दिन पहले एक दिन पहले ये क्वेश्चन किया गया था। तो दोस्तों ये सिक्किम राज्य में स्थित है नाथुला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज कॉस्ट बाय पोलियो, देख लीजिए जिसके कारण आपका पोलियो होता है, पोलियो किसके कारण होता है बता दीजिए। तो दोस्तों वायरस के कारण होता है, जो बंदा वायरस को चुना उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेयर इज द ओरिजिन ऑफ रिवर जमुना, देख लीजिए जमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो दोस्तों यहाँ पे जमुनात्री होगा राइट आंसर, ऑप्शन जो बंदा जमुनात्री दिया था उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हु डिस्कवर ऑक्सीजन, देख लीजिए ऑक्सीजन का जिसने ऑक्सीजन की खोज की थी बता दीजिए। चारों ऑप्शन में साइंस चुन लीजिए, यहाँ पे तो चारों ऑप्शन नहीं है, जो बंदा चारों ऑप्शन देखा हुआ है जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना क्या क्या ऑप्शन में थे। तो दोस्तों पिस्टलिनी जो बंदा क्या है उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पिस्टलिनी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, देख लीजिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है मार्च 15 को, क्या होगा मार्च 15 को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस अधिकार दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लार्जेस्ट पेक इन साउथ इंडिया, देख लीजिए दक्षिण भारत का सबसे बड़ी जो चटी है वो क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे जो बंदा अनाई मोदी को चुना, अनाई मोदी ऑफिशियली रहेगा आपका जो ऑप्शन में, तो अनाई मोदी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका राइट आंसर जो बंदा उमेश चंद्र बनर्जी को चुना उसका राइट आंसर हो जाएगा, उमेश चंद्र बनर्जी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, व्हेयर इज पामीर प्लाटू लोकेटेड, देख लीजिए पामीर का पठार कहाँ स्थित है। तो दोस्तों तजिकिस्तान में स्थित है, ऑप्शन जो बंदा तजिकिस्तान को चुना उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन तजिकिस्तान होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन,
व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ रैट पॉइजन? देख लीजिए, चूहे मरने के दवा को जो रासायनिक नाम है वो क्या है बता दीजिए। इसका राइट आंसर, जो बंदा जिंक फॉस्फाइड को चुना उसका राइट आंसर हो जाएगा, जिंक फॉस्फाइड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, देख लीजिए गुजरात का वर्तमान मुख्यमंत्री इसका नाम क्या है बताओ। तो दोस्तों भूपेंद्र भाई पटेल होगा राइट आंसर, जो बंदा ऑप्शन भूपेंद्र भाई पटेल को चुना उसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, व्हिच एसिड फाउंड इन एप्पल, देख लीजिए एसिड से रिलेटेड जो लेमू में कौन सा एसिड पाया जाता है, चीटी में कौन सा एसिड पाया जाता है, टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, इसी तरह आपका एसिड से चैप्टर से उठा दिया। तो दोस्तों मैलिक एसिड पाया जाता है एप्पल में, सेब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु रोट पंचतंत्र, बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो बुक से रिलेटेड मोस्ट क्वेश्चन पढ़ लो। तो दोस्तों विष्णु शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंचतंत्र बुक का लेखक है विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गोल्ड, सोने का सूत्र क्या है, ए होता है ए और यू होता है सोने का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूना पैक्ट वाज सिग्नेट इन व्हिच ईयर, देख लीजिए यही क्वेश्चन था या दूसरा कोई था बता देना जरूर, ये 1932 में हुआ था पूना समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन, व्हाट वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, देख लीजिए प्रथम गलमीय सम्मेलन कब हुआ था, यह हुआ था 12 नवंबर 1930 में। ऑप्शन बहुत ही अच्छा तरह इसका राइट आंसर जो बंदा दिया उसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हु डिस्कवर्ड वाटर, देख लीजिए जिसने पानी का खोज की थी बता दीजिए चारों ऑप्शन में, साइंस चुन लीजिए। तो दोस्तों चारों ऑप्शन तो नहीं है यहाँ पे, जो बंदा चारों ऑप्शन में हेनरी कैवेंडिश को चुना उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हेनरी कैवेंडिश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, लेकिन बच्चों बता दिया था ये कब हुआ था, दूसरे युद्ध कब हुआ था पानीपत का, ये हुआ था 1556 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों इस तरह कोई क्वेश्चन, आशू का जो निर्माण कौन से ग्रंथि से होता है, तो दोस्तों बताओ जो टायर होता है हमारा आइस से जो वाटर निकलता है वो कौन से ग्रंथि से पाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर, जो बंदा अश्रु ग्रंथि को चुना उसका राइट आंसर हो जाएगा, लक्रिमल ग्लैंड होगा राइट आंसर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। तो दोस्तों कोई बच्चा अभी नया हो या क्वेश्चन आपका अंदर है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, और डिस्क्रिप्शन में नंबर है उसी नंबर पे भी आप क्वेश्चन भेज सकते हो, और नेक्स्ट अपडेट के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। थैंक यू, जय हिंद।